बैंथोड़िया समाज का पारिवारिक मिलन समारोह जवाहर नगर कैंप वन स्थित समाज के भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। इस मौके पर समाज के बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई गई। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेंथो उड़िया समाज भिलाई इकाई द्वारा जवाहर नगर स्थित भवन में श्री माँ सिंधु पाटरानी पूजा महोत्सव पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया गया। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ सिंधु पाटरानी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई, जिसके बाद माता रानी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कुर्सीपा टाउनशिप सुपेला कैंप एक से होती हुई वापस समाज के भवन में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। यहां देवेंद्र यादव का स्वागत समाज के संरक्षक निरंजन विषय सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। पूजा महोत्सव में समाज के बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न हुई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं और बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसकी सभी उपस्थित जनों ने मुक्त कंठ से सराहना की। विधायक देवेंद्र यादव ने समाज की एकजुटता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बेंथो उड़िया समाज के लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अत्यंत ही हर्ष की बात है। यहाँ माँ सिंधु पटनानी के पवित्र आंगन में आप लोगों से परिवार का रिश्ता है। आप सबको यही कहूंगा, पिछले 5 सालों में लगातार आप सबके इतने विश्वास आशीर्वाद से हमने अपने स्तर पर जो भी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर लोगों की मदद करके सामाजिक तौर पर काम करके हम लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया है। निरंजन भैया मुझे सारी चीजों की बधाई और धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन सच्चाई बताऊं, सच्चाई तो ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर यहाँ पर समझिए माता रानी के स्थल पे कोई काम हो रहा है और यहाँ पर भवन बन रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है पता है आपको? किसके कारण? हाँ, माता के कारण और आप लोगों के कारण। देखो ऐसा है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप लोग अपना विधायक चुनते हो, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो, जब आप मतदान करते हो तब जाकर कोई काम कर पाता है। अगर कोई कहे कि मैंने किया तो वो गलत कहता है, करती तो जनता है, करते तो आप लोगों को भी निर्णय है। चाबी किसके हाथ में? चाबी तो आपके हाथ में, और चाबी किसको देनी है उसको तय माँ करती है। वो माँ आपको संदेश देती है कि बच्चों अभी इस बार इसको मदद करनी है। मैं बस यही कहूंगा आप सब से कि हम इस प्रांगण में लगातार हर वर्ष जब जब मौका मिला है तब तब आपके बीच में मैं आया हूँ। बहुत इसने बेंथो उड़िया समाज से मुझे मिला है। हम लोग पिछले समय में भी कुर्सीपार में बेंथो उड़िया समाज के कार्यक्रम में हम गए थे, हम हमारे सभी साथी थे निरंजन जी लोग, और उसके बाद हम एक और बेंथो उड़िया के समाज के कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे नया भवन बना है, वहाँ पे पितामह साहब जी लोग सब लोग थे। तो बड़ा सबके बीच में मिलने जुलने से ऐसा लगता है कि अपने लोगों के बीच में आ रहे हो। तो बस यही कहूँगा, माँ से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि माँ के आशीर्वाद से साल दर साल हमारा रिश्ता इसी तरह और मजबूत होता रहे। माँ के आशीर्वाद से हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े। माँ के आशीर्वाद से हमारे बहने स्वावलंबी हो, और माँ के ही आशीर्वाद से आने वाले समय में आप जब मुझे फिर से आशीर्वाद दे के आगे भेजोगे। बेंथो उड़िया समाज के संरक्षक निरंजन बिसाई ने आयोजन की जानकारी दी। हम लोग बेंथोड़े समाज के लोग विगत 30 वर्षों से यहाँ माँ श्री सिंधु पटरानी जी का पूजा महोत्सव हर वर्ष महाअष्टमी के दिन मनाते हैं, और हमारे समाज के हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करते हैं और समाज के लिए और अपने लिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम, भंडारा, अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भंडारा लगाया और बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया, और बड़े उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ हजारों के संख्या में भक्तजन इस पूजा महोत्सव में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि रूप में हमारे भिलाई के लाडले विधायक माननीय श्री देवेंद्र यादव जी,
और विशिष्ट अतिथि के रूप में और अध्यक्षता कर रहे हमारे मुकेश चंद्राकर जी उपस्थित हुए। माँ सिंधु पाटरानी पूजा महोत्सव में बेंथो उड़िया समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने बेंथो उड़िया समाज की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से बेंथो उड़िया समाज के अध्यक्ष देवा साहू, बंधु बिसाई, नीरू साहू, युधिष्ठिर दलाई, अभिमन्यु साहू, घनश्याम बिसाई, दुर्योधन बिसाई, सुरेश बिसाई, निरंजन गांगुली, जनार्दन बिसाई, सिमराद्दी बिसाई सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।